राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। ये समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का जॉइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए यह नेचुरल है कि उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंसीव किया और भारत जैसे विविधता भरे देश को इसके साथ नजदीक से जोड़ने को महत्व दिया। इसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्सोई।